बिजनौर से हल्दौर से बड़ी खबर है। पकड़ा गया है आदमखोर गुलदार। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ है गुलदार। वन विभाग की टीम ने गांव में लगाया था पिंजरा। वन विभाग ने गुलदार का रेस्क्यू कर लिया है सफल। गुलदार को बिजनौर रेंज कार्यालय ले गई है वन विभाग की टीम। हल्दौर थाना के सलहापुर गाँव के जंगल में पकड़ा गया है। वन विभाग ने गाँव में पिंजरा लगाया था जिसके बाद गुलदार को पकड़ा गया है। पिछले कई दिनों से कई लोगों को शिकार बना चुका था और जिससे गांव में दहशत का माहौल था और आखिरकार ये बड़ी सफलता मिली है और इस गुलदार को कैद कर लिया गया है पिंजरे में। ये आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि किस कौन कौन से दिन इस गुलदार ने हमला किया था और अब तक कितने लोगों की जान ले चुका है। राजवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। राजवीर, एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है क्योंकि काफी दिनों से गुलदार का आतंक था, किस तरह से सफलता हाथ लगी है? आपको बता दूं, बिजनौर का चांदपुर इलाका इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार गुलदार के हमलों में लोगों की जान जा रही है, कई किसानों की मौत हो चुकी है। पिछले 15-20 दिन की बात करें तो चौथा किसान की यहां पर गुलदार के द्वारा मौत हुई है। कल भी एक घटना हुई है देर शाम जो बागलपुर गांव में घटी है, जो एक गोपाल नाम के व्यक्ति थे जो सुबह से अपना खेत में गए हुए थे लेकिन शाम को उनकी लाश मिली। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं संदिग्ध भी लगा मामला ये, क्योंकि वहां पे जो वन विभाग का कहना है कि ये गुलदार से नहीं हुई है मौत, लेकिन पुलिस का जो कहना है वो ये कहना है कि गुलदार से ही मौत हुई है। हमारे साथ में किसान नेता भी हैं, किसान भी हैं, और पिछले 1.5 सालों की अगर बात करें तो 25-26 जो है गुलदार ने किसानों को खाया है, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई रेस्क्यू भी हुए हैं। राजीव, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानिए कितनी राहत की सांस अब ली है इन लोगों ने। अच्छा, लगातार हमले हो रहे हैं गुलदार के, क्या कहना है? भाई देखो, राहत की सांस की बात भी चल रही है। राहत की सांस तो जब तक नहीं ले जाती जब तक यहाँ पे गुलदार का आतंक यहाँ से समाप्त नहीं हो जाता। यहाँ गुलदारों की जो संख्या है वो लगभग 100 पार है, 100 से आंकड़ा पार है। और हम लोग सब खेतों पर काम करने वाले लोग हैं और जब खेतों पर जाते हैं तो पूरे दिन पूरे मतलब जब थोड़ा सा भी कोई दिक्कत दिखाई देती है तो हमें दिखाई देता है कि गुलदार पीछे से हमला करने की तैयारी में है। हम लोग चैन की सांस जब लेंगे जब यहाँ से रेस्क्यू करके सारे के सारे गुलदार बाहर चले जाएंगे। अच्छा, जो कल बागड़पुर में घटना हुई है इसमें क्या कहना है, क्या लगाव मौके पर थे? बागड़पुर वाली जो घटना है वो जो बताया जा रहा है कि भाई मतलब उस पे तो गुलदार से ना गुलदार वाला हमला है तो वो गुलदार का ही हमला है, क्योंकि वो जो लगातार 3-4 घंटे बॉडी नीचे पड़ी रहने की वजह से वो पीछे से उसके जो मतलब खाल उतर गई है क्योंकि गर्मी ज्यादा थी कल, गर्मी ज्यादा होने के कारण। आपका क्या कहना है? ठीक है राजवीर, आप बने रहे मेरे साथ। तो ये दहशत लगातार बनी हुई है।